बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासरूम का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, गूगल के ऊपर सर्च कर लें गूगल क्लासरूम। ठीक है, आप यहाँ सर्च कर लें, यहाँ से ही आ जाएगा, या आपके पास डॉट लगे हुए हैं आप इस पर क्लिक करें, आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पे भी ये क्लासरूम आ रहे हैं। आप या तो यहाँ से यूज़ कर लें या आप यहाँ से कर लें, क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये क्लासरूम खुल रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्लासरूम खुल ली। ठीक है, अगर आपको कोई क्लास क्रिएट करनी है तो पहले आप क्या करेंगे, आप प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको क्रिएट करनी है या ज्वाइन करनी है। अगर आप फैकल्टी हैं तो आप क्रिएट करेंगे और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक किया, क्लास आ गई। क्लास का नाम क्या है, हमने कहा लेट सपोज बिजनेस फाइनेंस सेक्शन, हमारे पास लेट सपोज वीकेंड का सेक्शन है। सब्जेक्ट वगैरह आप अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको सिर्फ ये कंपलसरी है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। क्रिएट किया, हमारा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। बस क्लास ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है किसी को भी, पहली चीज़ ये है या तो क्लास कोड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आपने कॉपी किया और आपको जिसको भी देना है आप ये कोड कॉपी करके दे सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएँ पीपल में, पीपल में यहाँ आके आप इनवाइट कर दें। ठीक है, यहाँ आपने एक ईमेल एड्रेस डाला। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इनवाइट का आपके पास इनेबल हो जाएगा। इनवाइट करेंगे तो आपके पास जो है एक ईमेल जनरेट हो जाएगी आपके यूज़र के पास, अब वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कुछ भी शेयर करना है, आपने कहा कि लेक्चर वन आप फाइल यहाँ से गूगल से कर सकते हैं, ड्राइव से कोई लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब पर लिंक दे सकते हैं या कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक किया आपने, कहाँ से करनी है ये सारी आ रही हैं, आपने कहा सेलेक्ट फ्रॉम माय ड्राइव। ठीक है, लेट्स से आपने ले लिए सेटल। ठीक है, अपलोड किया, अपलोडिंग हो रही है, अपलोड हो गया और आपने यहाँ पे जो भी देना है आपने नाम लिख लिया। पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट हो जाएगी और अगर आप स्केड्यूल कर देंगे तो स्केड्यूल हो जाएगी, पोस्ट उसी वक्त रहेगी। स्केड्यूल आप जो भी स्केड्यूल करेंगे और सेव ड्राफ्ट ये पोस्ट नहीं होगी जब तक आप इसमें खुद पोस्ट नहीं करेंगे या आपके पास ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी। ठीक है, पोस्ट किया तो यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है, अभी पोस्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएँ क्लासवर्क पे, क्रिएट पे आए और यहाँ से आपने असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा भाई असाइनमेंट वन, ठीक है, और अटैच कर दिया आपने फाइल। अटैच कर दिया,
ठीक है। अब ये असाइनमेंट हो गया है, यहाँ पे किसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट, अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपने ऐड किए भी होते या सब स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही होती आप रिसर्च करना चाहे, वरना ऑल पे कर देंगे, सबके पास आएगा असाइनमेंट। कितने मार्क्स का असाइनमेंट है, 100 मार्क्स का आपसे चेंज कर सकते हैं, आपने कहा लेट सपोज ये 10 मार्क्स का है, आप चाहे तो इसको अनग्रेडेड भी कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं है। इसकी ड्यू डेट क्या है, इससे पहले पहले सबमिट करा सकते हैं, आप इस पर क्लिक किया और यहाँ से आपने इसकी ड्यू डेट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। आप टाइम देना चाहें तो ऑप्शनल है, किस टाइम पे, किस डेट, किस टाइम पे ये लॉक हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई सबमिट कराएगा तो सबमिट हो तो जाएगा, मगर लेट लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी चीज़ें होंगी, और आप इसको असाइन कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही असाइनमेंट में भी आप इसकी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, असाइनमेंट में भी इसकी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। सही, अभी क्लासेस यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और आपको एक क्लास क्लास में जम करना है, उस क्लास से पहले क्लास में जम करना है, ठीक है। किसी और क्लास से पोस्ट करना है मटेरियल से में, आप आएंगे रीयूज फॉर्म, रीयूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरी क्लास से उठा के ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है।